वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों आज हम टाइडल एनर्जी पे न्यूमेरिकल करेंगे जो यूजीसी नेट अगस्त 16 में पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। चलते हैं, ये हमारी सीरीज का सातवां क्वेश्चन है और हम चलते हैं आज अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। टाइडल एस्टुअरी ऑफ टाइडल रेंज 5 मीटर हैज एन एरिया ऑफ वाटर ट्रैप 10 किलोमीटर स्क्वायर। इफ यू अज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर 10^3 केजी पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम थियोरेटिकल एनर्जी अवेलेबल पर साइकिल। सो जो ये क्वेश्चन था ये यूजीसी नेट अगस्त 2016 में पूछा गया था और इसके चार ऑप्शन दिए थे 24.50 × 10^11 जूल। देखिए सेम ऑप्शन है जिसमें बस पावर का डिफरेंस है ए और सी एंड सेम बी और डी। बी और डी में सेम है 12.25 × 10^11, बस पावर का डिफरेंस है 10^11 और 10। तो बेसिकली आप लोगों को पावर्स में 10 की पावर्स में ध्यान देना है कि कितने 10^2 की पावर कितनी आएगी। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है E इज इक्वल टू हाफ ए रो जी एच स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा A है वो है हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द बैराज बेसिन। तो जो हॉरिजॉन्टल एरिया जिसमें हमारा वाटर आके टकरा रहा है वो हमारा A है और इसमें रो है डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज गिवन 10^3 केजी पर मीटर क्यूब और जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हमारा है इज अ वर्टिकल टाइडल रेंज जो भी हमें गिवन है 5। तो हमने जितने भी गिवन टर्म है सब लिख दिया एच 5 मीटर ए 10 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 1 किलोमीटर स्क्वायर 10^6 मीटर स्क्वायर एंड रो हमारा है 10^3 केजी पर मीटर क्यूब और जी हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सारी गिवन वैल्यू इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जो हमारा है फॉर्मूला इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। सारी वैल्यू को हम ध्यान रखेंगे केजी मीटर और सेकेंड में ही फॉर्मूले में रखें ताकि जो हमारी यूनिट लास्ट में आनी चाहिए वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में आनी चाहिए। 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 12.25 × 10^11 आएगा। दोस्तों ध्यान रखिए 11 इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर लें कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे सही से इसे किलोमीटर स्क्वायर का आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे सही से तो आपका जो पावर्स में है वो 10^8 वाला भी मैच कर सकता है अगर आप सिंगल 10^3 लेंगे खाली यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग करेंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर तो वो जब कन्वर्जन करेंगे तो उसका स्क्वायर नहीं करेंगे 10^3 का मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे 10^6 नहीं करेंगे तो उसके चलते यहाँ पे आंसर 8 आ सकता है। तो कन्वर्जन का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उसके बाद हम पूरा कन्वर्टर करके मीटर केजी और सेकंड में रखें तो हमारा ये वैल्यू आएगा तो हमारा जो आंसर है 12.25 केजी पर जूल आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन था, इसमें खाली आपको ध्यान देना है कन्वर्जन का। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड कोई और न्यूमेरिकल जिसका डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।